ग्रीटिंग्स टू एवरीवन आज हम दोबारा से अपने सेकंड यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है ये हमारा सेकंड वीडियो है सेकंड यूनिट का कल हमने कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटेड टू सम एनर्जी बैंड्स वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड फॉर बिडन एनर्जी गैप्स एंड देन आफ्टर वी हैव डिस्कस दैट सेमी कंडक्टर इंसुलेटर्स एंड वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम सो टू डे वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन आवर सेमी ठीक है चलिए कल हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे सेमी कंडक्टर्स के और हमने ये देखा था कि कौन कौन से सेमी कंडक्टर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और टेम्परेचर का उनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट रहता है इसी उनको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस भी कह देते हैं ठीक है यानी कि उनकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट डिवाइस है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंस सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ठीक है तो उस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को समझने के लिए पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि कॉमन जो सेमीकंडक्टर्स हैं जनरली जो हम यूज़ करते हैं उनमें एक सिलिकॉन और जर्मेनियम है आपके ठीक है सिलिकॉन और जर्मेनियम जब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज़ कर रहे हैं तो इसका फोर्टीन होता है और इसका थर्टी टू टू एट और फोर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इसका टू एट एटीन एंड देन फोर ठीक है दस अठारह बत्तीस ठीक है लास्ट में दोनों के चार हैं अब एक सिंपल कोई भी स्ट्रक्चर लेकर के इसको डिस्क्राइब करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन समझने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए ठीक है तो हम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में दो तरह के सेमीकंडक्टर को स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। एक तो होते हैं प्योर इनको हम नाम देते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरे होते हैं इंप्योर। ये होते हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर तो दोनों को हमने डिटेल में स्टडी करना है क्या चीज़ है तो पहले प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं तो कोई भी एक स्ट्रक्चर लेकर प्योर को डिस्कस करेंगे फिर इम्प्योर की बात करेंगे हम तो प्योर या इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं सेमीकंडक्टर अब जो भी हम चीज यहाँ डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा है उसमें एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल इक्वेशंस बहुत कम है तो आगे की दोनों यूनिट जो हम ये यूनिट डिस्कस कर रहे हैं और इससे नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो दोनों ही यूनिट आपकी थ्योरेटिकल है समझने की ज्यादा है उसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस बहुत कम मिलेगी, ठीक है तो बी प्रिपेयर योर नोट्स एक्यूरेटली एंड अकॉर्डिंगली हमने इंट्रेंसिक को प्योर का नाम दिया हुआ है प्योर का मतलब होता है जिसमें कोई भी बाहर से कुछ ना डाला गया हो ठीक है वैसे तो आजकल हम कुछ भी प्योर यूज नहीं करते सब कुछ इम्प्योर होता है हमारी बॉडी ने भी इम्प्योरिटी को एक्सेप्ट कर लिया है ठीक है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये इंट्रेंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर है क्या चीज एक स्ट्रक्चर लेते हैं सिलिकॉन का आउटर मोस्ट शेल में चार है आप जर्मेनियम ले सकते हैं सिलिकॉन कोई भी ले सकते हैं तो मैंने सिलिकॉन ले लिया और सिर्फ हमने इसके साथ डीलिंग करनी है क्योंकि ये तो फुल्ली बाउंडेड है फुल्ली फिल्ड है और बाउंडेड है ठीक है तो इनका कोई रोल नहीं रहेगा जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक दो तीन और चार है ठीक है और कोई भी सौटांश जब हम लेते हैं मटेरियल लेते हैं जैसे सिलिकॉन स्लैब है ये तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सिलिकॉन होगा इसके अंदर बिलियंस मिलियंस सिलिकॉन्स होंगे तो कहने का मतलब सिर्फ एक सिलिकॉन नहीं है हमारे पास दूसरा भी सिलिकॉन इसके साथ अटैच है उसमें भी चार ही इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे ही एक सिलिकॉन ऊपर की तरफ है उसमें भी चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है एक नीचे की तरफ सिलिकॉन हमने ले लिया उसमें भी चार है एक यहां पर ले लिया सिलिकॉन उसमें भी चार है कहने का मतलब ये कि मैंने इस सिलिकॉन को चारों तरफ से बाउंड कर लिया है अदर सिलिकॉन से कोई भी ले सकते हैं आप इसको भी ले सकते थे इसको भी चारों तरफ से बाउंड कर सकते हैं आप ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ भी सिलिकॉन वन टू थ्री फोर इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में ये सिलिकॉन वन टू थ्री फोर आउटर मोस्ट में इसके लिए भी ये सिलिकॉन वन टू थ्री एंड फोर और इसके लिए भी ये सिलिकॉन वन टू थ्री एंड फोर ठीक है तो मैंने एक सिलिकॉन को चारों तरफ से सिलिकॉन से बाउंड कर दिया है अब ये सिलिकॉन चार इलेक्ट्रॉन्स के साथ है और ये चार इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है लेकिन ये ऐसा नहीं करते कभी भी ये क्या करते हैं नियर बाय के साथ शेयरिंग कर लेते हैं वन की शेयरिंग हो गई टू की शेयरिंग हो गई थ्री की शेयरिंग हो गई और फोर की शेयरिंग हो गई यानी इस सिलिकॉन का सारा इलेक्ट्रॉन्स हो गए पहले तो चार ही थे इसको चार छोड़ सकता था ये तब ये फुल्ली फिल्ड और स्टेबल रह सकता था लेकिन इसने चार गेन करके भी फुल्ली फिल्ड और स्टेबल हो सकता है ताकि इसमें आठ आ जाए तो इसने क्या करा दूसरे के साथ शेयरिंग कर ली एक यहां से आ गया एक यहां से आ गया एक यहां से और एक यहां से यानी कहने का मतलब ये कि इस सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अब सेटिस्फाइड हो गए हैं अपने आप में ऐसे ही इस सिलिकॉन के एक दूसरा यहाँ पर कहीं होगा तीसरा ये और चौथा इसके साथ सेटिस्फाइड हो गया ऐसा ही वन नीचे की तरफ सेटिस्फाइड टू यहाँ पर थर्ड ये और फोर्थ ये सेटिस्फाइड हो गया है ऐसे ही इसके दो तो हो गए हैं तीसरा नीचे की तरफ और चौथा इधर कोई होगा तो उसके साथ सेटिस्फाइड हो जाएगा वन टू थ्री ये भी फोर के साथ सेटिस्फाइड यहाँ भी वन टू थ्री एंड फोर के साथ सेटिस्फाइड ये भी एक ऊपर होगा एक यहाँ पर एक लेफ्ट में एक राइट right में सेटिस्फाइड कहने का मतलब ये जितने भी सिलिकॉन्स हैं वो नियर बाय के साथ शेयरिंग करके अपने आप को फुल्ली फील्ड बना लेंगे और इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्डिंग कोवलेंट शेयरिंग के साथ इन्होंने इलेक्ट्रॉन को आपस में मिला लिया है अपने साथ। तो अब आप, आप ये कहेंगे कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री तो नहीं है जब फ्री नहीं है तो ये करंट को कैसे फ्लो कर, कर सकते हैं कहने का मतलब ये कि कंडक्टिंग कैसे हो सकता है ठीक है अब ये सिचुएशन एब्सोल्यूट जीरो पर है जिसकी हमने कल बात की थी एट एब्सोल्यूट जीरो नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टू अदर सो देर इज नो कंडक्शन इन द सिलिकॉन एटम और जब इसमें सिलिकॉन सस्टांस में कोई भी एटम फ्री नहीं है कोई मोशन नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि ये एक इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है ये एक प्योर है क्योंकि इसमें सिलिकॉन के अलावा और कुछ भी नहीं है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है लेकिन ये कंडीशन मैंने बताया एब्सोल्यूट जीरो के लिए है लेकिन जब हम इसको एट रूम टेम्परेचर ले जाते हैं एट रूम टेम्परेचर तो एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी ये बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है थर्मल एनर्जी इसको हम थर्मल एगिटेशन का नाम भी दे सकते हैं और थर्मल एजुटेशन ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी जैसे ही रूम टेम्परेचर पर वो गया तो क्या होता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है हीट की वजह से थर्मल एनर्जी की वजह से और वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं कोई भी हो सकता है रैंडमली वी डोंट नो कि किस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली है और किसने अपनी पोजीशन छोड़ दी सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया हट गया यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया है जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया है तो इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया मूव करने के लिए कहीं भी बिकॉज ऑफ दिस थर्मल एनर्जी और थर्मल एगिटेशन रूम टेम्परेचर की सिचुएशन है या जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा फ्री कर सकते हैं तो ये तो सिर्फ एक सिलिकॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है मैंने बताया एक सौ में बिलियंस ऑफ सिलिकॉन हो सकते हैं और बिलियन्स ऑफ सिलिकॉन हो सकते हैं तो उसमें से ये भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हो रहे हैं वो एक से बहुत ज्यादा हो तो मैंने दिखा दिया कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ये तीन इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं और जब ये तीन इलेक्ट्रॉन फ्री हैं देन दे आर इजी और दे आर इन रैंडम मोशन एंड दे कैन मूव इन एनी वे हर इन द होल सिस्टम ये कहीं भी मूव कर सकते हैं पूरे सिस्टम के अंदर और जब ये कहीं भी मूव कर सकते हैं पूरे सिस्टम के अंदर तो इनके मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन अगर हम इस सारे को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्ट कर दें तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड कोनेक्ट करने के साथ इनका एक प्रिसाइज मैनर मोशन हो जाएगा प्रिसाइज मैनर मोशन का मतलब ये कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे और जब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे कौन से सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक प्रिसाइज मैनर में मूव करना शुरू कर देंगे ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये करंट का फ्लो बना सकते हैं और जब ये करंट का फ्लो बना सकते हैं दैन वी कैन से दैट इट इज़ नॉट एन इंसुलेटर अब ये इंसुलेटर नहीं है ठीक है और जब ये इंसुलेटर नहीं है तो इसमें कुछ ना कुछ करंट का फ्लो बन रहा है लेकिन ये सारी सिचुएशन थर्मल एनर्जी और थर्मल एगिटेशन की वजह से है दूसरी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है क्योंकि थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी और ये भी पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वैकेंट पोजीशन पर जाने की कोशिश करते हैं जैसे यहां से इसको ये जगह खाली मिल गई तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकता है ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है कहीं और जगह खाली होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां मूव कर सकता है तो देर इज ए रैंडम और मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड वेन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे इसके अंदर सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी लेकिन ये जो करंट है ये करंट बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट होता है क्योंकि इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते कि हम उसको पूरे को एक सफिशिएंट और सिग्निफिकेंट मैनर में करंट के लिए यूज कर सके यानी उसके अंदर जो करंट बन रहा है वो करंट इतना सफिशियंट नहीं कि उसको हम किसी अप्लाइंसिस के साथ कनेक्ट करके यूज कर किया जा सके तो इसीलिए हम इस इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को नहीं यूज करते हालांकि ये प्योर है अपने आप में शुद्ध जिसको कहते हैं लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो मोशन है वो इतना नहीं है कि वो सफिशियंट और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट को प्रोड्यूस कर सके दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज द सेमी कंडक्टर एज एन इंस्टेंटिकंडक्टर प्योर नहीं हो यूज कर सकते हैं हम इसको तो फिर क्या करना चाहिए हमें हम चाहते हैं कि इसके अंदर करंट की अमाउंट बढ़ती चली जाए और इसमें जब करंट की अमाउंट बढ़ती चली जाए तो उसके लिए हम इसके अंदर कुछ डाल देते हैं और यही जब हम बाहर से कुछ डालते हैं तो ये बन जाता है इम्प्योर सेमी कंडक्टर और एक्सटर्नल एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर यानी बाहर से एक्सटर्नली हमने कुछ डाल दिया ठीक है इंटरेंसिक का मतलब था अंदर ही सब कुछ हो रहा था इसलिए वो प्योर था इम्प्योर है तो एक्सटर्नल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो ये एक्सटेंसिक बॉडीज के साथ जुट गया एंड देन बिकम एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर नाउ लेट अस सी वट्स इन दिस एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर अभी जो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात करेंगे ये एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर एक्चुअल में दो तरीके से बनाया जा सकता है एक होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर ठीक है तो दोनों ही को हमने देखना है कि प्योर क्या है और इंप्योर क्या है तो एक्सटेंसिक सेमी का मतलब क्या है पहले तो वो समझ लिया हमने कि बाहर से कोई इंप्योरिटी एड कर दी दैमी कंडक्टर विद इम्प्योर एटम ए सेमी कंडक्टर विद इम्प्योर इंप्योरिटी ऑफ एटम ज कॉल्ड एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर जब हम किसी प्योर सेमी कंडक्टर में बाहर से कुछ इम्प्योरिटी एड कर दें जिससे उसकी कंडक्टिविटी पर अफेक्ट हो जाए बढ़ जाए उस हम उसको एक्सटेंसिव का नाम देते हैं और ये इम्प्योरिटी ऐड करने का तरीके दो होते हैं एक में पी बनता है और एक में एन टाइप सेमी कंडक्टर बनते हैं ठीक है अब ये पी और एन टाइप सेमी कंडक्टर बनते कैसे हैं पहले ये देख ले जब हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बना रहे हैं तो हम इसमें डोपिंग करते हैं कुछ वर्ड डोपेंट यूज होगा मैंने क्या बताया इम्प्योरिटी एडिंग ठीक है द इम्प्योरिटी एडिंग इज नोन एज डोपिंग द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी टू द प्योर स्टांस सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग यानी जिस प्रोसेस के थ्रू हम प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हमने नाम देना है डोपिंग का डोपिंग डोपिंग वर्ड आप लोगों ने सुना भी होगा जैसे क्रिकेट या कोई भी हम स्पोर्ट्स करते हैं तो उसमें डोप टेस्ट होता है डोप टेस्ट का मतलब समझते हैं आप डोप टेस्ट का मतलब है ब्लड सैंपल लेकर के उसमें ये जांच की जाती है कि इसने कुछ एक्स्ट्रा डोज एक्स्ट्रा ड्रग्स तो नहीं लिया जिससे इसको थकान ना हो इसका स्टेमिना बढ़ जाए या इसकी इंप्योरिटी इंक्रीज हो जाए कहने का मतलब ये कि हम जब सस्टांस को एक्स्ट्रा से कुछ करवाना चाहते हैं तो बाहर से कुछ डालना पड़ता है और यही चीज़ डोपिंग होती है तो हम यहां कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और हमने उसके लिए उसमें इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया है एंड दैट इज नोन एज डोपिंग और जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है द इम्प्योरिटी एडिड इम्प्योरिटी एडिड टू प्योर इज कॉल्ड डोपेंट। उसको हम डोपेंट का नाम देते हैं जो इंप्योरिटी ऐड की जाती है उसको हम डोपेंट कहते हैं डोपेंट अब ये इम्प्योरिटी दो तरीके से ऐड की जाती है एक में पी बनता है एक में एन बनता है तो पहले देखते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप सेमी कंडक्टर ठीक है देखते हैं उसी की तरह से एक हम जर्मेनियम या सिलिकॉन का एटम ले लेते हैं ठीक है अस से इस बार जर्मेनियम ले लेते हैं आउटर मोस्ट में वही चार इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं ठीक है यहाँ पर भी वन टू थ्री एंड फोर जर्मेनियम वन टू थ्री फोर 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 हमने सभी के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स के साथ जर्मेनियम को लगा दिया है और कोवलेंट बॉन्डिंग एक दो तीन ठीक है चार सभी के साथ होगी ये नीचे चला जाएगा इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा ये इधर ये इधर ये नीचे लेफ्ट अप लेफ्ट राइट एंड डाउन इस तरीके से सारे के सारे कोवलेंट शेयरिंग के साथ कर रहे हैं अभी ये सब कुछ प्योर है ठीक है ये हमारा जर्मेनियम एटम है हम इसको एन टाइप बनाना चाहते हैं जब भी हम इसको एन टाइप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी और वो इंप्योरिटी यानी कि वो डोपेंट फिफ्थ ग्रुप से होना चाहिए फिफ्थ ग्रुप का मतलब ये कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन्स हों उस ग्रुप से हम एक एटम लेंगे और उसको जर्मेनियम की जगह रिप्लेस कर देंगे और फिफ्थ ग्रुप से हम ले सकते हैं आर्सेनिक को ले सकते हैं हम एंटीमनी को ले सकते हैं और भी कोई आपका फिफ्थ ग्रुप का जो भी हो सकता है उससे हम उसको ले सकते हैं और इस वजह से हम इसको हटा देंगे फास्फोरस भी हो सकता है आपका एस, एंटीमनी, एस भी होता है। देख लेना आप आर्सेनिक एंटीमनी एंड फास्फोरस ऑल दीज आर बिलोंग टू फिफ्थ ग्रुप इनके आउटर मोस्ट शेल में पांच पांच इलेक्ट्रॉन हैं जैसे इसके आउटर मोस्ट शेल में चार थे तो ये पांच के साथ हैं तो हमने क्या करा इसको सपोज करते हैं आर्सेनिक ले लिया और उसको हमने जर्मेनियम की जगह डाल दिया है ये यह आर्सेनिक लिख दिया हमने यहां पर अब इसके आउटर मोस्ट में पांच इलेक्ट्रॉन है तो जब यहां से जर्मेनियम हटा था तो चार वैकेंट इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले गया था वो ले गया अब हमने आर्सेनिक को उसकी जगह डाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन आया उसने इसकी पोजीशन ले ली दूसरा आया दूसरे ने उसकी पोजीशन ले ली तीसरा आया तीसरे ने पोजीशन ले ली चौथा आया चौथे ने उसकी पोजीशन ले ली चार तो इसके साथ एडजस्ट हो गए लेकिन इसके साथ तो पांच है तो पांचवा कहाँ जाएगा कहीं नहीं जाएगा वो वो बीच में लटक गया इट मीन्स देयर इज ए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन आर्सेनिक इन कंपेरिजन टू जर्मेनियम और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही आर्सेनिक डालते हैं हम अबाउट जो इम्प्यूरिटी करते हैं वन एटम पावर के साथ एक्सचेंज किया जाता है यानी इतने एटम के अंदर एक एटम डाला जाता है इंप्योरिटी का टेन एस टू पावर एट दिखने में तो बहुत ज्यादा है लेकिन ये छोटा सा नंबर है मतलब कि दिखने में पावर में हम सिर्फ एक ही एटम की इंप्यूरिटी ऐड करते हैं और ऐसा अगर हम करते चले जाए टू पावर सिक्सटीन में भी दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा तो इसमें भी हंड्रेड ऑफ हो सकते हैं ऐसे एटम्स जिसकी इंप्योरिटी हमने इसमें ऐड कर दी है क्योंकि सस्टॉन्स काफी बड़ा होता है लाइक like दिस यहां पर साइज ऑफ एटम बहुत स्मॉल है तो 10 टू पावर एट का मतलब एक एटम डाला फिर उसमें दूसरा फिर तीसरा इस तरीके से बहुत सारे आर्सेनिक डल सकते हैं इसके अंदर और जब बहुत सारे आर्सेनिक डल सकते हैं तो हर बार इलेक्ट्रॉन एक एक्सेस में चला जाएगा और जब हर बार इलेक्ट्रॉन एक्सेस में चला जाएगा तो ऑलरेडी एक प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था थर्मल एनर्जी और थर्मल एगिटिशियन ये यहां पर ऑलरेडी है लिए थर्मल एजिटेशन और थर्मल एनर्जी तो हो ही रही है यहां टेम्परेचर की वजह से रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कुछ जर्मेनियम के ही इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलती जा रही है और वो अपनी जगह छोड़ते चले जा रहे हैं जैसे इसने छोड़ दिया इस वाले एटम इस इस इलेक्ट्रॉन ने छोड़ दिया तो कहने का मतलब दो प्रोसेस हो गए अब एक तो थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन हीट गेन करके अपनी पोजिशन छोड़ रहे हैं फ्री हो रहे हैं दूसरा आर्सेनिक की इंप्यूरिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जा रही है तो जब दोनों ही प्रोसेस एक साथ कंटिन्यूस में होते हैं तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इतनी ज्यादा हो सकती है कि उससे हम एनफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट को बना सकते हैं और अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज लगा दे हम बैटरी लगा दे हम यहां पर प्लस माइनस करके तो यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे और जब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे देन रेट ऑफ फ्लो इज देयर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर सो द करंट कैन बी प्रोड्यूस एंड दिस करंट इज सो सफिशियंट दैट वी कैन बी यूज इन दिस कैंट ठीक है तो आप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि इंप्यूरिटी ऐड करने से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें और थर्मल एगिटेशन और थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जर्मेनियम के भी फ्री हो रहे हैं तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देर और थर्मल एनर्जी की वजह से एक और सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है थर्मल एनर्जी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिल सकती है फ्री जो है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके उसको भी फ्री कर सकता है यहां से फ्री कर दिया सपोज तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फ्री अमाउंट जो है बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी इतनी सफिशियंट हो जाएगी कि दैट वी कैन बी यूज फॉर फ्लोइंग ऑफ करंट दैट इज फॉर फ्लोइंग ऑफ करंट और दैट इज सिग्निफिकेंट अस टू फ्लो ऑफ करंट और वी कैन से दैट देर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच प्रोड्यूसिस द करंट और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज एन टाइप सेमी कंडक्टर नैन फॉर नेगेटिव ठीक है मैंने यहाँ अभी कुछ लिखा नहीं है सिर्फ समझाया है और समझाने का मतलब मेरा पहले से यही था कि यहां पर समझने का थियोटिकल पोर्शन है तो यहां रिटर्न में कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं लिख रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट को समझना है आप लोगों ने हो क्या रहा है अब जब ये सारी चीज इसमें हो गई तो जो हमने वैलेंस और कंडक्शन बैंड बनाए थे उनके अंदर भी कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा कैसे लाइक दिस से दिस इज आवर वैलेंस बैंड वैलेंस बैंड है ये हमारा ठीक है और यहां पर ये हमारा है कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो फ्री हो जाता है और यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इजिली फ्री हो रहे हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं हमेशा ध्यान रखना कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिल्कुल बीच में होता है फर्मी लेवल दिस इज योर फर्मी एनर्जी लेवल ये एक प्योर सेमीकंडक्टर के लिए सिचुएशन थी लेकिन जब वो इम्प्योर हो गया तो सिचुएशन में चेंज आ गया है क्या चेंज आ गया है ठीक है बैलेंस बैंड दिस इज बैलेंस बैंड ये फर्मी लेवल ऊपर इसके नजदीक हो गया और यहां हम यू कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा बढ़ गए यहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं मान लिया यहां पर बैलेंस में थे पहले अब ये बैलेंस से ज्यादा नजदीक फ्री के हो गए हैं क्योंकि यहां ये ऑलमोस्ट फ्री है सारे के सारे जो मोशन में रेंडमली मोशन में है तो वो कंडक्शन बैंड के ज्यादा नजदीक आ गए हैं यहां तक पहुंच गए एक तरीके से आप कह सकते हैं बैलेंस बैंड का साइज बढ़ता गया बढ़ता गया और यहां तक आ गया यानी यहां से लेकर यहां तक बैलेंस बैंड है पहले सिर्फ इसका साइज ये था और इन दोनों के बीच में अब ये एनर्जी लेवल बनेगा पहले दोनों के बीच में यहां एनर्जी लेवल बन रहा था अब बैलेंस बैंड का साइज बढ़कर यहां तक पहुंच गया तो अब ये फर्मी लेवल बन गया है फर्मी एनर्जी लेवल तो ये आपका एक बैलेंस बैंड का लेवल यहां तक हो गया तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं अब और उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही वो फ्री होते चले जाएंगे पहले उनको इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी अब थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ रही है और ये जब थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ रही है तो इस लेवल को हम एक तरीके से बोलते हैं डोनर लेवल कंडक्शन बैंड तो कहने का मतलब ये भी कि वैलेंस बैंड का साइज बढ़ता गया बढ़ता गया और यहां तक पहुंच गया कि वो कंडक्शन के बहुत नजदीक थोड़ा सा लेवल एनर्जी का देते ही वो फ्री हो जाएंगे ठीक है पहले उनके बीच में जो एनर्जी गैप था उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट वन पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी हमारे पास लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर इंप्योरिटी डाली तो ये जो एनर्जी गैप हो गया ठीक है ये जो एनर्जी गैप हो गया है ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया जर्मेनियम के लिए तो सिर्फ अब पहले नियर अबाउट वन था ये वैसे जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.7 होती है शुरू में सिलिकॉन के लिए 1.1 पॉइंट वन ठीक है तो लगभग वन के आसपास है लेकिन जैसे ही इसमें इंप्योरिटी डाल दी तो ये कितना हो गया जर्मेनियम के लिए जीरो पॉइंट जीरो वन पहले जीरो पॉइंट सेवन था तो बहुत कम हो गया है अगर हम इसकी जगह सिलिकॉन का लेते सिलिकॉन जो वन पॉइंट वन था उसके लिए सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू वन पॉइंट वन सो बोथ इन दिस केस चाहे जर्मेनियम लें चाहे सिलिकॉन लें दोनों के लिए एनर्जी लेवल फर्मी एनर्जी लेवल का जो एनर्जी गैप था वो बहुत डिक्रीज हो गया जीरो पॉइंट जीरो वन ज़ीरो पॉइंट सेवन से वन पॉइंट वन से जीरो पॉइंट ज़ीरो फोर फाइव तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वजह ये जैसे ही हमने इम्प्योरिटी एड की तो इलेक्ट्रॉन्स ईजीली फ्री होकर के मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर एंड दे कैन कंडक्ट ठीक है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर तो इसलिए एन यानी नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का नाम देते हैं ठीक है चलिए अब नेक्स्ट में हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस करते हैं